हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.5 क्लास 12 चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैंने 10 तक क्वेश्चन करा दिया है, अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होता है बच्चों, बीच में प्लस माइनस है, इधर भी क्वेश्चन फंक्शन, इधर भी फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो एक को यू लेट करते और एक को वी लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहां ले लो, यहां से लेट यू इक्वल टू में एक्स cos x की पावर ये, और v इक्वल टू में x sin x की पावर 1 बाई x, ये ले लिया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, y इक्वल टू में u प्लस v डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन में dx और du अपॉन में dx प्लस में dv अपॉन में dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना, नाउ अलग अलग कर लो, u इज इक्वल टू एक्स कोस एक्स की पावर एक्स, टेकिंग लोग बोथ साइड। ठीक है बच्चों, टेकिंग लोग बोथ साइड। क्वेश्चन देखिए बच्चे, अब देखो ध्यान से, देखो क्वेश्चन चेक कर लेता, क्वेश्चन गलत तो नहीं है कहीं, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता बच्चों में, कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करना है, लोग u यहां उतर गया, लोग x cos x की पावर x। ठीक है बच्चों, ये x यहां उतर गया, लोग x cos x लोग u। अब यहां डिफरेंशिएशन करो बच्चों, इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है बच्चों, अब देखो 1 अपॉन में u डी यू अपॉन में डी एक्स। क्लियर बच्चों, अब देखो बॉर्डर पर एक्स को ऐसे रहने दो, डी अपॉन में डी एक्स लोग एक्स कोस एक्स, फिर प्लस में यहां पे लोग एक्स कोस एक्स डी अपॉन में डी एक्स इंटू में एक्स। अब देखो ध्यान से बच्चों, एक्स इस लोग का करोगे 1 अपॉन में एक्स कोस एक्स, फिर इंटू में इसका करोगे एक्स कोस एक्स के, इसमें बॉर्डर पर यहां पर इस तरीके से कर सकते हो, डी अपॉन में डी एक्स एक्स कोस एक्स प्लस, इसको ऐसे उतार लो, लोग एक्स कोस एक्स, एक्स हो गया 1। ठीक बच्चों, देखो यहां एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये यू इधर आके इंटू में हो गया। ठीक है, 1 अपॉन में कोस एक्स इंटू में, देखो इसमें यू इंटू भी एक्स को ऐसे ही कोस का माइनस के साइन एक्स माइनस यहां लगा देता हूं, फिर प्लस कोस एक्स को वैसे ही एक्स का हो गया 1। ठीक है बच्चों, प्लस लोग एक्स कोस एक्स। क्लियर बच्चों, अब देखो यू 1 अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो क्या आ गया, माइनस के एक्स साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस लोग एक्स कोस एक्स। देखो ये उतर गया u, यहां क्या आ गया माइनस एक्स साइन बटा कोस टेन एक्स, यहां उतर गया 1, ये ऐसे उतर गया, ये कट जाएगा बच्चों क्योंकि log x cos x। क्लियर बच्चों, अब यहां u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू रख दो x cos x की पावर x। अब देखो 1 को पहले कर दो, इसको इधर कर दो, टेन x प्लस में log x कोस एक्स। ठीक है बच्चों, ये तो आपका निकल गया, किसका ये निकल गया, यू का। अब यहां ले लो वी वाले बच्चों, ठीक है, वी इक्वल टू में एक्स साइन एक्स की पावर 1 बाई एक्स, टेकिंग लोग बोथ साइड। ठीक है बच्चों, यहां उतर गया लोग वी, यहां उतर गया log x sin x की पावर 1 बाई एक्स। तो देखो बच्चों ध्यान से, यहां उतर गया 1 बाई एक्स, शुरू में उतर गया log x sin x। अब यहां डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, देखो 1 अपॉन में v dv अपॉन में dx, इसमें प्रोडक्ट कर लो, वही बचे देखो ये u हो गया पूरा v हो गया, तो 1 अपॉन में x कैसे रख दिया, d अपॉन में dx log x sin x, फिर प्लस में
log x साइन x d अपॉन में डी एक्स वन बाई एक्स। क्लियर बच्चों, देखो यहां वन बाई एक्स, इस लोग का करूं वन अपॉन में x साइन x, फिर इन टू में इसका करूं पोडर को डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूं, x को ऐसे ही साइन को होता बच्चों cos x, फिर प्लस में साइन x को ऐसे ही x को हो गया वन, ठीक है, प्लस log x साइन x, इसका क्या होता माइनस के वन अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों, अब देखो ध्यान से, वन अपॉन में बी डी बी अपॉन में डी एक्स, अब देखो ध्यान से, सॉरी यहां आएगा बराबर, अब देखो ध्यान से, देखो ये आ गया वन अपॉन में एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या यहां पे एक्स कोस एक्स, फिर प्लस में साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, ठीक है, ये आ गया, फिर यहां पे प्लस, देखो ये माइनस उतर जाएगा log x sin x अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये उतर गया dv अपॉन में dx, और ये इधर आकर के v इनटू हो गया। अब देखो यहां से एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया cos बटा sin cot, तो यहां जाएगा cot x अपॉन में x, ठीक है, प्लस यहां देखो sin से sin कट गया वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, माइनस में log x साइन x अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों, अब यहां v के बारे रख दो क्या है x साइन x की पावर वन बाई एक्स, देखो यहां पे क्या आ जाएगा, ये उतर जाएगा x cot x प्लस, यहां उतर गया वन माइनस में log x साइन x अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहां मैंने एलसीएम ले लिया, ये उतर गया, ठीक है बच्चों, ये उतर गया आपके पास क्या डी यू अपॉन में डी वी इक्वल फ्रॉम वन, वन क्या हमारे पास है डी वाई अपॉन में डी एक्स, और डी अपॉन में डी एक्स प्लस में डी वी अपॉन में डी एक्स, तो यहां जाएगा बच्चों डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, मुझे सिंपल करना क्या है डी अपॉन में डी एक्स के बल, ये वाली पूरी वैल्यू यहां रखो उठा के, जैसे कि उतर गया एक्स कोस एक्स की पावर एक्स, यहां उतर गया बच्चों वन प्लस में वन माइनस में वन माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लोग एक्स कोस एक्स, ये तो इसका उतर गया, ठीक है, फिर यहां पे प्लस लगा करके ये बता लो पूरी वैल्यू, यानी कि एक्स साइन एक्स की पावर वन बाई एक्स, अंदर उतर गया कोट एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन माइनस में लोग एक्स साइन एक्स अपॉन में एक्स। क्लियर बच्चों, करना कुछ नहीं है यहां पे, ये वाली वैल्यू रखना है प्लस करके, और उसके बाद क्या ये वाली वैल्यू रख देना, वहां पर दिख नहीं रहा होगा तो बच्चों कर लेना, ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।